कोरोना संकट के बीच कई अप्रत्याशित घटनाएं सामने आ रही है। कोरोना की वजह से जहां लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं कुछ कंपनियां सीमित संख्या में मजदूरों से काम तो करवा रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं है। इसी बीच अब इंदौर से एक हादसे की खबरें सामने आई है, जहां एक फैक्ट्री में गैस लीकेज होने से कंपनी में काम करने वाले 4 मजदूरों की आंखों की रोशनी चली गई। सावेर रोड स्थित फैक्ट्री में गैस लीकेज होने से 4 मजदूरों की आंखों की रोशनी चली गई। आपको बता दें कि घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र में सावेर रोड स्थित प्लास्टिक कंपनी सत्य मित्र की है। पीड़ित के परिजनों ने घटना की जानकारी अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को दी, जिसके बाद समाज के नेता ने अस्पताल में भर्ती कराया। गैस से प्रभावित सभी मजदूरों को शहर के अरविंदो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की जांच के लिए मनोज परमार ने बाणगंगा थाने में शिकायत कर जांच की मांग की है। कंपनियों द्वारा खुलेआम मजदूरों का फायदा उठा रही है, लेकिन कंपनी द्वारा कार्य कर रहे श्रमिकों का बीमा तक नहीं कराया जा रहा है। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार जहां तरह तरह की योजनाएं चला रही है, वहीं कंपनियां मजदूरों से काम करवा रही है। ऐसे में ये कंपनी इसके लिए कितनी जिम्मेदार है, अब देखना होगा इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। ऑफिस में आए थे कोई सी कंपनी में, 5 भलाई समाज के मजदूरों के साथ कुछ हादसा हुआ, क्या कहना चाहिए? कल जो है सावेर रोड स्थित सत्य मित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले हमारी समाज के 4 मजदूर दीपक, विकास और योगेश के साथ में एक घटना घटी है। जो वहां पर काम करते वक्त केमिकल गैस का रिसाव हुआ, जिससे उनकी आँखों की रोशनी चली गई। इस बात को लेकर परिजनों ने भी उनसे मदद मांगी थी, किंतु उनने जो है मदद करने की बजाय उनका तिरस्कार किया और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अधिकारी उनके इलाज के लिए नहीं आया। अंततः गतवा उन्हें रात को हम जो है अरविंदो हॉस्पिटल लेकर गए थे और उनका वहां पर इलाज के लिए जो हमने भर्ती करवाया है, चारों मज़दूरों को आँखों से दिख नहीं रहा है, पलकें चिपक चुकी हैं और उन डॉक्टर का कहना है रेटिना बदलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई जीवित व्यक्ति की अगर आंखें चली जाती है, रोशनी चली जाती है, तो जीते जी वो मृत्यु के समान हो जाता है, जिंदा लाश बन जाता है। आज उस परिवार में उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिजनों का क्या होगा? घर में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति वो मजदूर थे। गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, ऐसी स्थिति में उनकी मदद आर्थिक रूप से भी होना चाहिए और गैर जिम्मेदार जो लोग हैं, जब पंकज खंडेलवाल और राजीव खंडेलवाल उसके मालिक हैं सत्य मित्र कंपनी का, तो उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए थी, बाकी उन्होंने नहीं ली। इनकी सुरक्षा का साधन होना चाहिए था, रक्षा सुरक्षा होना चाहिए थी, बीमा होना चाहिए थी, बीमा पॉलिसी होना चाहिए थी, इसके अलावा उनके PF भी होना चाहिए थे, जो कि नहीं है। इस कारण हम जो है पंकज खंडेलवाल और राजीव खंडेलवाल के खिलाफ आवेदन दिया है कि इनके खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज किया जाए, आपराधिक प्रकरण दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि इनकी लापरवाही के कारण ही आज हमारे 4 मजदूर आंखों से बेओझल हो चुके हैं। मजदूरों को हॉस्पिटल में किसने भर्ती कराया? मैंने कराया है अरविंदो हॉस्पिटल में, 4 मजदूरों को भर्ती कराया है, योगेश मालवी, संजय मालवी, दीपक मेवाड़ा और विकास कोसेर करके 4 मजदूर। क्या आश्वासन दिया? DIG साहब ने वो कार्रवाई करने का भी कहा है और आर्थिक रूप से मदद करने के लिए कलेक्टर साहब से चर्चा करके वे मदद करवाएंगे, ऐसा भी आश्वासन माननीय DIG साहब ने दिया है। बाकी हमारी मांग है कि जो आरोपी है, जो कंपनी के मालिक हैं पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, ताकि किसी दूसरे मजदूर की आंखें नहीं जाएं। आपका नाम और पद? मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।